सलाम अलैकुम, वेलकम टू नाजिया फूड एंड स्टडी व्लॉग्स। तो आ गई हूँ मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर। तो आज फिर से संडे है और संडे को आप लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ पर नॉनवेज बनता है, तो आज मैं फिर से नॉनवेज बना रही हूँ। तो आज मेरा हस्बैंड मटन लेके आए हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ जो शादियों वाला मुगलई होता है, मुगलई कौरमा शादियों वाला, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अच्छा जायका आता है इसमें। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट पहले लिए मैंने हैं। यहाँ पर 750 ग्राम मटन लिया है, जिसमें नलियाँ हैं, चाप है, जिससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। और 3 बड़े साइज के मैंने ऑनियन लिए हैं, जिनको देखे पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। गरम मसाले लिए हैं, जिसमें काली मिर्च है, लौंग है, चक्रफूल है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची, तेज पत्ते, जायफल और ये सफेद वाले फूल। उसके बाद मैंने एक पिंच हल्दी पाउडर लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 3 टेबल स्पून ही धनिया पाउडर। लहसुन लिए हैं, देखिए 750 ग्राम मटन के हिसाब से मैंने आधे कटोरी लहसुन लिए हैं और एक अदरक का टुकड़ा लिया है। दही लिया है मैंने आधा बाउल और थोड़े से मैंने 1 टेबल स्पून मैंने खसखस ली है और 7 से 8 काजू लिए हैं, जिनको मैंने पानी में भिगो दिया है। हरा धनिया लिया है, नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला पाउडर। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं मुगलई मटन कोरमा। सबसे पहले मैंने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है और इसमें 3 बड़े चम्मच ये वाले तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था मैंने। मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ मैं, तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं हमारे जो ऑनियन है उनको फ्राई करूँगी। अब इसी तेल में मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। गरम मसाले को चटकने देंगे। गरम मसाला हमारा चटक चुका है, अब मैं इसमें मटन ऐड करूंगी। करेंगे अच्छे से हिलाएंगे इसको। तो मटन को मैंने तेल में ऐड कर दिया है, मटन फ्राई हो रहा है, तब तक मैं दही में मसाले मिक्स कर लेती हूँ। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, साथ ही नमक स्वाद अनुसार, इनको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसको भी मटन में ऐड कर दूंगी। ऐसा करने से क्या है कि जो हमारे मसाले हैं वो मटन में बहुत अच्छी तरह से पहुंच जाएंगे, ये साथ में ही फ्राई होते रहेंगे ये मटन के।
बार चलाती रहूंगी। पांच से सात मिनट में इसको खुला ही पकाऊंगी, फिर मैं इसको ढककर पकाऊंगी। तो हमारे मटन को फ्राई होते हुए पांच से सात मिनट हो चुके हैं, इसको मैं खुला ही पका रही थी अभी तक। तो अब मैं इसको ढक ढक कर पकाऊंगी और हर पांच मिनट में मैं इसको संभालती रहूंगी। प्लेट से ढक दिया है मैंने इसको और हर पांच मिनट में संभालना है इसको। मटन जो पक रहा है मसालों के साथ, तब तक हम मसाला भी तैयार कर लेते हैं। तो मैं जो हमने प्याज फ्राई की थी वो साथ में ही अदरक लहसुन, आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जो हमने काजू और खसखस पानी में भिगो रखे थे वो भी मिक्सर जार में डालेंगे। और इन सबको मैं पीस कर एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। हमारे मटन को मसालों के साथ पकते हुए 15 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसमें जो हमने पेस्ट तैयार करा है वो भी ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसको जो हमारा अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाया है उसके साथ में अब इसको मटन को आधे घंटे के लिए और भुनाई करूंगी इसकी, और बीच बीच में मैं इसको चलाती रहूंगी। ये देखिए हमारे मटन को भुनाई होते हुए आधा घंटा हो चुका है, और ये देखिए मसाला कैसा दानेदार हो गया है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है और इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। टोटल मिला के ये 45 मिनट भून चुका है। अब मैं इसमें ग्रेवी करूंगी, ज्यादा ग्रेवी में नहीं करूंगी, तो मैं थोड़ा ही पानी डालूंगी इसमें। चार सीटी आने तक इसको पकाऊंगी, तीन से चार सीटी लगाऊंगी मैं इसमें। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर पकने देते हैं इसको। हमारे मटन मुगलई में चार सीटी लग चुकी है और जो इसकी एक्स्ट्रा स्टीम थी वो भी रिड्यूस हो चुकी है। तो देखिए कितना अच्छा कलर निकल के आया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ जायफल, जायफल से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मटन में, को मिक्स कर दूंगी मैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मटन में से। अब मैं इसमें धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी। और अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। क्रीम भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने तो ऐड नहीं की है क्रीम, अगर आपका मन करता है तो आप कर सकते हो।
उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कल फिर मैं आऊँगी आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह।